हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा आज के इस वीडियो में यही देखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करने की बारी है, यहां से ओपन कर लेता हूं। ये एक्सेस ओपन हो जाएगा और ये देख सकते हैं ये एक्सेस ओपन हो चुका है। अब यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे जाना, हम एक ही टेबल बनाएंगे और उसी में सब कुछ करके दिखाऊंगा आपको। और यहां से डेटाबेस का नाम आ जाता है, तो जो भी नाम है उसे आप क्लिक करके ले सकते हैं और यहां पे क्लिक करिएगा। तो यहां पर मैं फिलहाल बना रहा हूं प्रोडक्ट का टेबल, ठीक है, इसमें टेबल बनाएंगे, ठीक है। और यहां पर क्लिक किया, अब यहां पर आएगा प्रोडक्ट आईडी। क्या आएगा? प्रोडक्ट आईडी। तो ये हो गया प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, और प्रोडक्ट आईडी कर दिया यहां पे। और इसका डेटा टाइप आप चाहे तो जो भी रख सकते हैं, फिलहाल ऑटो नंबर रखा है इसी को रहने देते हैं। और यहां पे कर देते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। और नेम ऑफ प्रोडक्ट होने के बाद यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा, और यहां पर जैसे ही आते हैं तो प्रोडक्ट की प्राइस की बात आएगी, तो ये प्राइस हो जाएगा। और प्राइस जो है यहाँ पर करेंसी डेटा टाइप हम रखेंगे, और यहाँ पे कर देंगे क्वांटिटी, QTY क्वांटिटी कर दिया हमने। और क्वांटिटी करने के बाद यहाँ पर नंबर रख करके और इसे क्या कर देंगे, डेसिमल बना देंगे, यानी डबल बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे टोटल, ठीक है, ये टोटल कर दिया। अब यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कैसे होगा? तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है कैलकुलेटेड डेटा टाइप। तो बस कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज कीजिए और यहाँ पर टोटल कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है और प्राइस को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से। तो ये हो गया प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्यू टी वाई को, यानी क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा काम हमारा। तो बस ओके कर दीजिए, ये काम हो जाएगा। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। अब ये हमारा सब कुछ हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई क्वेरी अभी फिलहाल नहीं बनाई है, लेकिन हमारा काम हो गया। अब जैसे मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ पे डालते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे स्क्रीन गार्ड डालता हूँ, स्क्रीन गार्ड GAURD, ठीक है। तो ये हो गया स्क्रीन गार्ड। अब स्क्रीन गार्ड की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे आएगी। तो जैसे मान लीजिए स्क्रीन गार्ड है आपका 40 रुपए का, ठीक है, और 60 स्क्रीन गार्ड परचेस किए गए, तो यहाँ पे टोटल अपने आप आएगा, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं लैपटॉप, लैपटॉप कर देते हैं, लैपटॉप लेनोवो, लेनोवो ये कर दिया। और यहाँ पर जो इसकी प्राइस है वो आएगी, तो यहाँ पे मान लीजिए प्राइस है 40,000। कितनी प्राइस है? 40,000। और कितना परचेस किया गया? 5। तो यहाँ पे उसके हिसाब से आ जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं तो अगला, जैसे अब यहाँ पर करते हैं डेल डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, तो ये डेस्कटॉप कर दिया। और यहाँ पे अब इसकी प्राइस आएगी, तो जैसे मान लीजिए इसकी प्राइस है 32,000 रुपए, ठीक है, 32,000 यहाँ पर कर दिया। और यहाँ पे 6 कर देते हैं, तो यहाँ पे उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे माउस है, ठीक है, और प्राइस है इसकी 90 रुपए, और स्टार्ट माउस की बात हो रही है 60 MOUSE माउस यहाँ पे कर देंगे MOUSE, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से कीबोर्ड कर देते हैं, कीबोर्ड BORD कीबोर्ड हो गया। तो कीबोर्ड की प्राइस है 120 रुपए, और यहाँ पर 70 कीबोर्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पे टोटल अपने आप पता चला जा रहा है, ये तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करके इसके लिए हमें एक फॉर्म डिजाइन भी करना है, तो हम एक फॉर्म भी डिजाइन करेंगे। तो यहाँ से क्रिएट पे जाके और देन यहाँ से फॉर्म विजार्ड से जा सकते हैं, आप ब्लैंक फॉर्म भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर्म डिजाइन पे चलते हैं, तो डिजाइन इस बार करेंगे, और यहाँ से आपको एड एग्जिस्टिंग फील्ड मिल जाएगा, इस पर डबल क्लिक कर लीजिएगा। और ये सारे फील्ड्स ही हमें लेके आने हैं। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट आईडी, देन नेम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, देन यहाँ पर प्राइस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्वांटिटी, और एट लास्ट टोटल। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना होगा, ये छोटा बड़ा जो दिख रहा है इसको इधर उधर करके थोड़ा सा छोटा बड़ा जो इसको हिसाब से कर लीजिएगा, कुल मिला के ये कहना है, ठीक है। जब ये हिसाब से हो जाएगा इसको ऊपर नीचे करके इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ये एडजस्ट किया, और यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करवा लीजिएगा, और यहाँ से जा करके और फिर ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पे टोटल ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करके एक ही बार में, और इसको हम थोड़ा सा जो है यहाँ से बना लेंगे डार्क, ठीक है। अगर आपके पास कोई ये हो, कोई लोगो हो आपके कंपनी का, आपके दुकान का, तो आप लोगो वगैरह भी ऊपर सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं लोगो नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म डिजाइन पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी शीट मिलता है, इसमें भी एक सेटिंग हम कर लेते हैं। सेटिंग क्या है ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको फॉर्म चूज करना है, और यहाँ से पॉपअप को यस करना है, ये यस कर लीजिएगा, तो ये यस हो जाएगा। अब ये काम हो गया है। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर अब चाहे तो नीचे बटन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए ये बटन दिया हुआ है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करवाइएगा, इसको ड्रैग करवाइएगा, तो ये बटन आ जाएगा। अब कौन सा बटन आप बनाना चाहते हैं ये देख लीजिए,
ठीक है, जैसे मान लीजिए फाइंड नेक्स्ट का बटन बनाना चाहते हैं या गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन बनाना चाहते हैं, तो जो भी बनाना चाहते हैं यहाँ पे देखें नेक्स्ट करके और फिर यहाँ से फिनिश कर लीजिएगा, तो यहाँ पर ये बटन आपको नजर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई और भी बटन बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर फिर क्लिक करते हैं और इस बार हम नेक्स्ट का हो गया है, प्रीवियस का बटन बनाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस के लिए भी एक बटन दिया गया है, तो यहाँ पे जाके और इसको टेक्स्ट रख करके नेक्स्ट करके और फिर यहाँ से फिनिश करिएगा, तो यहाँ प्रीवियस का भी बटन बन करके तैयार हो जाएगा। यानी एक बटन बन गया प्रीवियस का, दूसरा बटन बन गया नेक्स्ट का, दोनों ही बटन हमने बना लिए हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है, तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो बना हुआ है सॉफ्टवेयर वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो अगला वाला रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे तो इसके अगला वाला दिखाई देगा, अगर प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस होता चला जाएगा। अब इसको सेव करता हूँ यहाँ से और इसको क्लोज करता हूँ, और इसको हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम दे देते हैं प्रोडक्ट एफ, प्रोडक्ट एफ कर देते हैं, यानी प्रोडक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म नाम दे दिया है। अब यहाँ से फिर वापस क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाके क्या करना है, एक क्वेरी हमें बनानी है। क्या बनाना है, एक क्वेरी। तो ये क्वेरी विजर्ड से जाएंगे, इस पर विजर्ड से जाकर के और पहला ही रखना है हमें सिंपल क्वेरी विजर्ड और क्लिक करना है, और हम हर बार प्रोडक्ट आईडी के ही बेस पे ये करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं, ये ले लिया प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करके और यहाँ पर देखिए ये क्वेरी ही बना रहा हूं मैं, तो मॉडिफाई डिजाइन पे जाके क्लिक करेंगे, तो अब ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आ गया है। अब हमें क्या करना है, इन सारे ही चीजों को लेके आना, ये प्राइस भी यहाँ रहेगा, ये क्वांटिटी भी यहाँ रहेगा, और ये टोटल भी यहाँ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्राइटेरिया के अंदर आकर के और हम फॉर्म के अंदर देखेंगे, फॉर्म जो जो हमने फॉर्म बनाया है जिसका कि नाम प्रोडक्ट एफ है, उसी के अंदर हम देखेंगे एक्सक्लेमेशन लगाएंगे और प्रोडक्ट एफ के अंदर देखेंगे, और किसके बेस पे देखेंगे, प्रोडक्ट आईडी के बेस पे देखेंगे, किसके बेस पे, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी आपको नजर आ जाएगा, तो बस इसी को ले लीजिएगा, डबल क्लिक कर दीजिए, यह आ जाएगा, आ गया। अब क्या करना है, अब इसको सेव करना है, तो यहाँ से चल के इसको सेव कर लेते हैं, तो ये सेव हो गया, और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, तो ये प्रोडक्ट क्वेरी के नाम से सेव हुआ है। अब इसी के बेस पे हम रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट क्वेरी के बेस पे, तो यहाँ से चल के और फिर यहाँ पर रिपोर्ट डिजाइन दिया, ब्लैंक रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट विजर्ड से चलते हैं, विजर्ड से, और हमें प्रोडक्ट क्वेरी के बेस पे चलना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्वेरी आपको नजर आएगी, तो ये सारे रिकॉर्ड्स ले लीजिएगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा इधर उधर करके ताकि ये देखने में सही लगे, तो यहाँ पे जाके नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, और यहाँ से ब्लॉक में चाहिए कैसा चाहिए देख लीजिएगा, आउटलाइन चाहिए जिस भी तरीके से आपको चाहिए लेकर के नेक्स्ट करके, और यहाँ पर प्रोडक्ट आर कर देता हूँ, आर से हो जाएगा रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पहचान के लिए मैंने आर कर दिया और इसको मॉडिफाई रिपोर्ट पे जाके और फिर इस तरीके से कर दीजिएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा आपको सेटिंग करना पड़ेगा, मैंने कहा था ना सेटिंग करना पड़ेगा आपको, इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा बनाना होगा। यहाँ से देखिए ये अन जो है एडजस्ट फॉर्म में है, सही से एडजस्टेड नहीं है, इसको एडजस्ट करने के लिए इसको छोटा बड़ा आपको करना होगा। ये देखिए प्रोडक्ट के नेम वाला जो सेल है ये काफी बड़ा हो गया, यहाँ पे ये जो फील्ड है ये काफी बड़ी है, तो इसको थोड़ा छोटा करना होगा इस तरीके से। और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट आईडी दिखाई दे रहा होगा, तो इसको भी थोड़ा छोटा करिएगा। ठीक है, और यहाँ से भी इसको छोटा करना है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, और इसको हटा देंगे ये ऊपर, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ से चल के इस तरीके से, और एक काम और करते हैं, यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, ये लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आकर के क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट आईडी यहाँ का है। ठीक है, तो इसको यहीं रहने देते हैं, और अब जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू पे, तो यहाँ पर ये पूछेगा कि कौन से प्रोडक्ट आईडी की आप बात कर रहे हैं, तो अगर मैं वन यहाँ पे डाल देता हूँ देखिएगा, तो यहाँ पे वन वाले का पूरा डिटेल आपको शो होगा। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का जो है नेम भी दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें एक सेटिंग और करते हैं हम थोड़ा सा, कि इस पर हम कलर प्रोवाइड कर देते हैं, तो कलर कौन सा प्रोवाइड करेंगे, तो होम टैब पे जाकर के और यहाँ पर आपको नजर आएगा बैकग्राउंड कलर, तो कोई भी एक बैकग्राउंड कलर इस पे प्रोवाइड हम कर देते हैं, जैसे ये बैकग्राउंड कलर हमने प्रोवाइड करा इस पे, और इसी पे सेम ये भी इस पे कर देते हैं, और यहाँ से इसको पूरा सेलेक्ट करके और यहाँ से इसका कलर थोड़ा डार्क रखेंगे ताकि ये दिखे हमें कायदे से। ठीक है, तो अब जब जाएंगे और मान लीजिए प्रोडक्ट आई डी 3 करते हैं, तो यहाँ 3 वाले प्रोडक्ट का ही पूरा डिटेल आपको शो होगा। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आई डी भी नजर आ रही है आपको, नेम ऑफ प्रोडक्ट भी नजर आ रहा है, और ये जो बीच का गैप है ना, गैप को अगर आप कम करना चाहते हैं तो वही की यहाँ पे जाके और फिर वापस से इसको डिजाइन व्यू पे लेके और फिर ये गैपिंग को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको एक बार ऊपर करके देखते हैं क्या गैपिंग कम होती है,
इस बार वन वाले का देखेंगे तो ये देखिए ये कुछ गैपिंग भी कम हो गई, तो ये कुछ इस तरीके से आपका ये बिल जो है आ जाएगा, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट आईडी के बेस पे मैंने किया, इसमें आप कस्टमर भी लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।